हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिस लर्निंग इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ओपीएससी पी 2018 जीएस पेपर वन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज फ्रॉम कल्चर सेक्शन एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी सो स्टार्ट तो उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसके लिए पहले हमको थोड़ा गुप्ता पीरियड का बेसिक्स लिखना पड़ेगा तो गुप्ता पीरियड का बेसिक को पहले डिस्कस कर लेते हैं सो so, uh, गुप्ता पीरियड कब स्टार्ट हुआ कैसे स्टार्ट हुआ सो आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द मोरियन एम्पायर द सातवाहन एंड द कुसाना इमर्स्ट एज टू लार्ज पोलिटिकल पावर तो मौरियन एम्पायर का ख़त्म होने के बाद सातवाहना और कुसाना दो लार्ज पोलिटिकल पावर बन के उभरते हैं न द सातवाहना एक्टेड एज ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन डेकान एंड साउथ टू हुई द गेव पोलिटिकल यूनिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो सातवाना क्या करते हैं इस जो डिकान और साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाते हैं कैसे लाते हैं बाय स्टेबिलाइजिंग द रीजन उस जगह को वो स्टेबिलाइज करते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ट्रेड विद द रोमन एम्पायर अपना जो रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करके स्ट्रेट को स्ट्रेंथन करके उस जगह को स्टेबिलाइज करते हैं और स्टेबिलाइज करते ही वहाँ का इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पोलिटिकल यूनिटी होता है ना ऑन द रुन ऑफ द कुसाना एम्पायर देखिए यहाँ पे दो एम्पायर हुए थे सात बहाना और कुसाना तो कुसाना का क्या होता है रुवीन हो जाता है कुसाना का रवीन हो जाता है तो ऑन द रुइन ऑफ द कुसाना एम्पायर एट वॉज ए न्यू एम्पायर विच एस्टैब्लिश इट्स वे ओवर द गुड पार्ट ऑफ द फॉर्मर्ड डोमिनियन ऑफ बोथ कुसाना एंड सात तो सात बहाना कुसाना दोनों का डोमिनियन को uh, स्वे मतलब ख़त्म कर देता है एक कुसाना का uh, रुविन के बाद एक ऐसा एम्पायर आता है जो कि इन दोनों को जो डोमिनियन है उसको ख़त्म कर देते हैं है दिस वाज द पावर ऑफ़ गुप्तास वो कौन थे गुप्ता गुप्ता एज और गुप्ता एम्पायर हम उसको कहते हैं उनका पावर था कि वो लोग इन दोनों को क्या किए रुइन कर दिए हु मे हैव बीन वैश्य ओरिजिन वो वैश्य ओरिजिन से बिलोंग करते थे मतलब उनका जाति वैश्य था ये वैश्य क्या है शूद्र क्या है इसके लिए आप मेरा इंडियन सोसाइटी का सीरीज़ देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी फॉर यू पी एस सी मेन्स और ओ पी एस सी मेन्स के लिए एक, एक सीरीज चल रहा है डी एस एस सी लर्निंग चैनल पर तो आप उसको देख सकते हैं वोश्य ओरिजन क्या है सुधर ओरिजन इनके हमारे डिटेल्स में वहाँ पर समझाया गया है ना ऑल द गुप्ता एम्पायर वॉज नॉट ए लार्ज और एज द एज लार्ज एज मोरन एम्पायर उतना बड़ा तो नहीं थे मोरन एम्पायर के कंपेरिजन में फिर भी इट केप नॉर्थ इंडिया पोलिटिकली यूनाइटेड फॉर मोर देन ए सेंचुरी एक सेंचुरी से ज़्यादा टाइम तक उन्होंने पोलिटिकल यूनिटी रखा था नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा नहीं हो कि अभी बहुत दिन तक उनका जो एक स्टेबिलिटी और एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर की तरह वो काम किए सो द ओरिजिनल किंगडम ऑफ द गुप्ता कॉम्पाइज उत्तर प्रदेश एंड बिहार एट द एंड ऑफ द थर्ड सेंचुरी एडी इतना काफ़ी है इतना हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं अब गुप्ता गुप्ता का आए वहाँ पे सेटल हो गए अब उनको देखते हैं कि उनका उनके टाइम में क्या क्या मतलब डेवलपमेंट होता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो देखिए मेरे पास यहाँ पे पूरा मटेरियल्स है कि रिलीजियस लाइफ कैसा था गुप्ता का और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी क्या क्या वहाँ पे थे रिलीजियस सोशल्स लाइफ क्या था इकोनॉमिक लाइफ क्या था सबके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन यहाँ पर जैसे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ओनली ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर पार्ट तो उस क्वेश्चन के अनुसार बस यहाँ पे इतना ही डिस्कस करते हैं जो कि हम एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगर नेक्स्ट भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो गुप्ता एम्पायर से तो कैसे हम लिख सकते हैं उसको हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे तो इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ गुप्ता गुप्ता एम्पायर में इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स वी वी कम अक्रॉस ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वर्क यहाँ पे हमको पता है आर्यभट्ट आर्यभट्ट सबको पता है आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा था तो उनका जो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम था वो गुप्तास थे तो इस टाइम में उन गुप्तास के टाइम में ही आर्यभ्ट ने आर्यभ्टया लिखा था जो कि पता है आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स में वो बहुत बड़ा मतलब एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है एंड आर्यभट्ट बिलोंग टू पाटलिपुत्र और इसी पाटलिपुत्र रीजन में ही गुप्ता लोग रहते थे जिनके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था गुप्ता लोगों ने कहाँ पे आए थे कहाँ पे उन लोगों का शासन चल रहा था तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि गुप्ता आए थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश एरिया में वो बिलोंग करते थे फिर धीरे धीरे करके वो इंपॉर्टेंट प्रोविंस बनाए बिहार में और धीरे धीरे करके वहाँ पे उनका गुप्ता कॉइन डिस्क्रिप्शन इसका भी बहुत सारा उल्लेख हमको मिलता है बिहार का इस जगह पे तो यहीं पर पाटलीपुत्र है पर्टिकुलरली इस जगह पे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में तो वहाँ पे उसी जगह से बिलोंग करते थे आपका आर्यभट्टा तो आर्यभट्ट भट्टा वहीं वहीं वही से बिलोंग करते थे और उनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में ज़्यादा था तो क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ररी थे गुप्ता पीरियड के तो आर्यभट्ट का ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूशन uh, जो हो जाएगा वो गुप्ता गुप्ता पीरियड का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उस टाइम में डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड में यही मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट हुआ ये हम समझ सकते हैं नौ इट सीम्स दैट दिस मैथमेटिशियन वाज वेल वॉर्स इन वेरियस काइंड ऑफ कैलकुलेशन उनका कैलकुलेशन बहुत सारा था बहुत मतलब वो ज्ञानी थे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन उनका बहुत अच्छा था नौ एक गुप्ता इंस्क्रिप्शन ऑफ फोर फोर्टी एट फ्राम अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट फोर फोर्टी एट फोर फोर्टी एट एडी में हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में दैट सोजेस्ट द डिमाल सिस्टम दैट वॉज नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ सेंचुरी इंडी डिसमल सिस्टम का वहाँ पे जो ये हुआ था उसने आर्यभ्ट ने किया था और आर्यभट्ट का किताब में उसमें लिखा गया है डिसिमाल सिस्टम एंड वी नो दट डेसिमाल सिस्टम जो है वो पूरा वर्ल्ड के लिए एक देन है इंडिया का सो so, वार्ट ने लिखा था और गुप्ता पेरियट के दौरान ही उन्होंने लिखा था फिफ्थ सेंचुरी एडी में इन द फल्ड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी ए बुक कॉल्ड रोमा रोमा का सिद्धांत वॉज ऑल्सो कम्पाइल्ड इन दिस टाइम एंड इट वॉज इन्फ्लुएंसड बाई ग्रीक आइडिया ये जो रोमा का सिद्धांत था इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक आइडिया एंड आज कैन बी इन्फॉर्ड फ्राम इट्स नेम इसका नाम से पता चलता है रोमा का रो, ग्रीक रोमांस यहाँ पे हमको पता चलता है रोमा का सिद्धांत था द ग्रुप जो गुप्ता काफ्ट्स का, क्राफ, पर्सन और क्राफ्ट्समैन थे डिस्टिंग्विश देम सेल्व बाय देयर वर्क इन आयरन एंड ब्रोंज उस टाइम में आयरन और ब्रोंज का बहुत ज़्यादा यूज होता था और गुप्ता क्राफ्ट्समैन को इसीलिए लिए जाना जाना भी जाता है आजकल आज भी उनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है इसके लिए बहुत ज़्यादा है तो आज भी हम लोग गुप्ता क्राफ्ट्समैन को आयरन और ब्रोंज के लिए जानते हैं वी नो वी नो ऑफ सेवरल ब्रोंज इमेजेस ऑफ बुद्ध बुद्ध का जैसे नॉलेज ऑफ एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी तो बुद्धा का ब्रॉन्जी हमको इसीलिए मिलता है क्योंकि उस टाइम में उनके पास बहुत अच्छा एडवांस आयरन टेक्नोलॉजी था एंड इन इन द केस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट द बेस्ट एग्जाम्पल इज आयरन पिलर जो कि हमको दिल्ली का मेहरूली के पास मिलता है आयरन पिलर मिलता है हमको गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड में आयरन के सॉरी uh, दिल्ली के मेहरोली में एक आयरन पिलर हमको मिलता है सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ मैन्युफैक्चर्ड इन द फोर्थ सेंचुरी एडी द पिलर हैज़ नॉट गेदर एनी रस्ट इसका ख़ासियत यह है कि आज तक इसमें आपको रस्ट नहीं दिखाई दिया है तो ये उनका टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था इससे पता चलता है उनका साइंस कैसे डेवलप था उस टाइम में ये हमको इससे पता चलता है ना आगे देखते हैं ना फिफ्टीन सेंचुरी के बाद भी यहाँ पे क्या होता है हमको कोई भी नहीं मिल देखने के लिए मिलता है न इन विच आई एस एक ग्रेट ट्रीब्यूट सॉरी विच इज ए ग्रेट ट्रिब्यूट टू द टेक्नोलॉजी स्किल ये क्या है टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है ऑफ द क्राफ्ट्समैन एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस सच पिलर इन एनी आयरन फाउंड फाउंड्री और इंडस्ट्री इन वेस्ट ऑन टी एबार्ड सेंचुरी है को तो अबाउट अ सेंचुरी को मतलब फिफ्टीन सेंचुरी तक ऐसा चीज़ चल रहा था तो इस टाइम तक फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी तक जो जब तक जो इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन नहीं हुआ था तब तक वेस्ट में भी ऐसा कोई भी फैक्ट्री या कहीं पे भी जो जो स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन नहीं हुआ था जो मतलब ऐसा कोई स्टील का प्रोडक्शन नहीं हुआ था आयरन का प्रोडक्शन नहीं हुआ था जिसमें रश ना लगे तो इससे हमको पता चलता है कि अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुप्तावरण में कितना Uh, इतना अच्छा था नव इट इज़ अ पी दैट द लेटर क्राफ्ट्समैन कुड नॉट डेवलप दिस नॉलेज फर्दर तो हमको दुख इस बात से होता है कि बाद में जितने भी क्राफ्ट्समैन आए ऐसा कोई टेक्नोलॉजी वो लोग डेवलप नहीं कर सके जो गुप्ता क्राफ्ट्समैन ने किया था सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिटरेचर एंड साइंस ऑफ गुप्ता पीरियड सो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू